उसका अम्मी है एक इधर देखो आ तेरी खैर हो नहीं मैं कुछ ज्यादा ही है नहीं नहीं ये गल गरीब नहीं थे बाहर आते हैं पैसे ना हो तो कौन सी जगह है जहाँ जा रहे दही हलीम बड़ी दही हलीम यस चलो जी वो कर देंगे और यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर जाने के लिए तो चलते हैं कुछ इनके बारे में बताएं ना जगह बचपन उनका यहाँ पे गुजरा है वो यहाँ पे बकरियाँ चढ़ाए ठीक दाई हलीमा जो थी ये उनका और थोड़ा सा आगे यहाँ पे हजूर पाक का गुजरा होता था ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है बकरियाँ चराया करते थे बचपन में से दाई हलीमा जो है वो हजूर पाक की रज़ाई माँ भी कहते हैं पानी पानी है लोग सीढ़ियां तो थले जाते जो असी आए ना जब जिस दौर आए लकड़ी की छत होंगी सी सही है ना लकड़ी की छत उपर पाई थले तय खाना लोग जाके थले नफर पड़ते ज़ियारत करते जो इन्होंने देखा कि ये तो लोग इतने आके इबादत करते हैं इतने आके चिल्ले करते हैं इन्होंने बंद करता हाँ जी उपर वाले हिस्सा उपर वाला हिस्सा है बस नहीं तो पहले ये पूरा कमरा था नीचे पूरा तय खाना था ये वाला उस साइड पर भी है आप उस साइड पर नवावल पढ़ ले सामने चार साल तक इधर रहे थे बचपन में अपने जब वो मक्का से उनको लेके आई थी ना इधर तो वो चार साल उन्होंने इधर बचपन अपना गुजारा है सही है ये सामने नीचे पहले तय खाना था जब हम आए हैं ये लकड़ी के ऊपर पूरा कमरा बना हुआ था ना सही है अभी उन्होंने गिरा तो ये अभी ऊपर रख दिया क्योंकि लोग यहाँ पे आते थे नफल पढ़ते थे आगे चिल्ले काटते थे तो उन्होंने देखा ये तो सब लोग इधर आके चिल्ले काटते हैं तो ये तो गलत काम कर रहे हैं उन्होंने फिर बंद कर दिया अभी फिर ये पत्थरों के साथ निशानी लगाई नहीं तो पहले इधर पुरानी लकड़ियाँ पड़ी होती थी पूरा हुजरा नीचे बना हुआ था अभी खत्म कर दिया बस यही है ये कब्रिस्तान ये तो कब्रिस्तान वैसे ही इलाके का ये तो लोकल इनके लिए सही और
और आप सरकार का जो हाँ हाँ बेबी वो रहा बेबी सही ज़ियारत यही है अगर किसी ने नौफल पढ़ने हैं तो इधर पढ़ लें पहले इधर मस्जिद हुआ था इधर सामने वो इसी वजह से इन्होंने खत्म कर दिया वगैरह लगे हुए ना वो भी इन्होंने गिरा दी ये लोग किसी ने वीडियो बना के ना तानो